नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की समीक्षा बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसे आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के सामने आए 8 नए मामले और 6 रोगी हुए स्वस्थ। राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के साथ की वर्चुअल बैठक। पापुमपारे जिले के ज्योति स्थित गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जारबोम गामले मेमोरियल लेक्चर आयोजित। रोल ऑफ मिलिट्री इन नेशन बिल्डिंग विषय पर आयोजित इस व्याख्यान प्रदेश के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और रिटायर्ड मेजर जनरल जार्किन गामलिन सहित कई वक्ताओं ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज एक समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिला स्तर पर स्थिति का आकलन प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि केंद्र और राज्य इस बारे में लगातार संपर्क में हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसे आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा ढांचे में लगातार सुधार कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के साथ कोविड रोगियों के इलाज की जानकारी दी। के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होल्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। देश भर में अब तक 11,72,23,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड महामारी के 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,18,000 रोगी स्वस्थ हुए। देश में कल इस महामारी से 1,185 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए, जिसमें लोअर दिबांग वैली जिले से 3, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 2, पापुमपारे, तवांग और वेस्ट कामेंग जिले से 1-1 मामले शामिल है। कल कोविड से 6 रोगी स्वस्थ हुए, जिसमें लेपारादा जिले से 3, तिराप से 2 और चांगलांग से 1 रोगी शामिल है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 99.28% है और कल कोविड जांच के लिए 211 सैंपल एकत्र किए गए। अपर सुबनसिरी जिले के तादाक दुलोम जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर गामिक हनकर ने बताया कि जिले में कोविड टीकाकरण प्रभावी तरीके से चल रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा रिस्पॉन्स पोर था, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इस पर IAC वगैरह किया, माइकिंग वगैरह किया है और इस पर, और यहाँ पे जब कंट्री में जो सदन कोविड सेकेंड फेज का चार्ज हुआ सर, शायद उसका कारण भी अभी पब्लिक काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। और हमारा PM प्रधानमंत्री जी का जो एक डिक्लेरेशन था कि 11th to 14th April to be observed as टीका उत्सव, दैट इज वैक्सीनेशन लाइक फेस्टिवल जैसे,
तो वो हमारे यहाँ पे कल से शुरू हो गया आज, इसलिए हमारे यहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा था, लोगों का भीड़ भाड़ ज़्यादा था। आज तक का सवेरे में कोविन पोर्टल अपलोड का हिसाब से हमारे यहाँ 3400 लगभग हो चुका है, दैट इज इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेस। वो आज सुबह तक का कोविन पोर्टल का स्टेटस है। एक्चुअल में 4000 से अबव हो गया, कुछ पेंडिंग है, स्पेशली नाचो ब्लॉक का हमारा काफ़ी बेनिफिशरीज का जो अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कोविड 19 संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर आज राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स के कुलपति प्रोफेसर साकिब कुशवाहा, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के साथ वर्चुअल बैठक की। राज्यपाल ने फर्स्ट अरुणाचल एनसीसी बटालियन के कैडेट्स के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की। राज्यपाल ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए सतत कोविड प्रबंधन और जनभागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों से कोविड उचित व्यवहार पर जनजागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने आरजीयू के फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों से विश्वविद्यालय परिसर में 100% मास्क के उपयोग, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर जोर देते हुए प्रदेश के सभी हिस्सों में इस विषय पर लोगों को जागरूक करने की अपील की। कोविड 19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि स्मारक 15 मई तक बंद रहेंगे। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड 19 प्रबंधन के लिए केंद्र मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपने अस्पतालों के बिस्तर कोविड मरीजों के इलाज के लिए देने को कहा है। ऐसे अस्पतालों और विशेष ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इन समर्पित अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड 19 की पुष्टि वाले मामलों के लिए विशेष देखभाल सहित उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए। इन अस्पतालों में समर्पित स्वास्थ्य कार्य ये बल तैनात रहना चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति युक्त बिस्तर, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट, प्रयोगशाला सेवाएं, इमेजिंग सेवा, रसोई और कपड़े धोने के साथ साथ सभी सहायक सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि एक महीने से भी कम समय में अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने बताया कि अब तक 680 लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हुए अपना एयरगन सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 500 से अधिक वन्य जीवों और 600 से अधिक ऑर्किड की प्रजातियां मौजूद हैं। श्री नाथू ने कहा कि प्रदेश के दायिंग इरिंग वन्य जीव अभयारण्य सहित कई अभयारण्यों में ऐसे पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं जो विश्व के एक दो देशों में ही पाई जाती हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से वन्य जीवों की रक्षा के लिए मिशन से जुड़ने और अपने एयरगन सरेंडर करने की अपील की। बाहर से दूसरा कंट्री से भी आकर उसको रिचार्ज करेंगे ताकि जिस हिसाब से जो अरुणाचल प्रदेश में जो स्पीशीज है वो कहीं नहीं है। आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपना जो यहाँ में डाई एरिंग सेंचुरी में जो बेंगल फ्लोरिकन जो बर्ड्स है वो कंबोडिया एंड वियतनाम में मिलता है, वो कहीं दुनिया में कोई कंट्री में नहीं है। एंड अपना जो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में जो ईगलनेस सेंचुरी है इसमें बुगुन लिचुला जो बर्ड्स है वो अभी तक दुनिया में कहीं डिस्कवर नहीं हुआ। टोटल 500+ जो स्पीशीज है हमारा बर्ड्स है जो अरुणाचल प्रदेश में है वो कोई स्टेट में कहीं नहीं है। एंड साथ में ये भी आप लोगों में बताना चाहूँगा कि जिसमें से हमारा यह फ्लोरा एंड फोना जो बटरफ्लाई है जो कोई दूसरा जगह में है नहीं जितना जो बटरफ्लाई है जो अरुणाचल प्रदेश में। और साथ में हमारा ये प्रदेश में अरुणाचल में जो फ्लोरा एंड फोना जो ऑर्किड्स है 600+ जो ऑर्किड है वो कहीं दूसरा स्टेट में है नहीं। तो मैं उस चीज़ को इसको बचाने के लिए इसको प्रजा हम लोग बचाने के लिए हम सभी जनता को और सभी प्रदेश का जितने भी जो दिल से विलीनली जो कंट्रीब्यूशन सरेंडर करा उनको मैं धन्यवाद और दोबारा देना चाहूँगा कि और जिन्होंने भी सरेंडर नहीं किया जिन्होंने अभी तक जो सरेंडर नहीं किया उसको भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वॉलेंटरली आप सरेंडर कीजिए ताकि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का फ्लोरा एंड फोना
एंड वाइल्ड लाइफ जितने जो स्पीशीज है, हम सब मिलके इस प्रदेश को हम बचाएं। पापुमपारे जिले के ज्योति में स्थित जारबोम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जारबोम गामलिन की 60वीं जयंती के अवसर पर रोल ऑफ मिलिट्री इन नेशन बिल्डिंग विषय पर आयोजित व्याख्यान में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, रिटायर्ड मेजर जनरल जारकिन गामलिन, स्थानीय विधायक ताना हाली तारा और राजीव गांधी विश्वविद्यालय के मास्कॉम विभाग के HOD मोजी जीनी सहित कई वक्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जारबोम गामलिन के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। Jarumgam Government Law College of Faith is the first and the law college of Karnataka State. I am fortunate to witness the inaugural function of this institute in the year 2019. And now I am witnessing the launch of the first annual Jarumgam Memorial Lecture Series. Come, 60th birthday celebration of the Jarumgam. I am very sure that this institute might be doing wonders and providing quality education to the students. I am hopeful that we will get judges, lawyers, academicians from this institute who will make people of Arunachal Pradesh feel proud. विधायक लम्बो तायंग ने कल ईस्ट सियांग जिले के नामसिंह अंचल के गादुम 1 और गादुम 2 विलेज का दौरा किया और 63 परिवारों को CGI शीट वितरित किया। श्री तायंग ने क्षेत्र में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का आश्वासन दिया। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से CGI शीट का वितरण करते हुए उन्होंने लाभार्थियों से इसका सदुपयोग करने को कहा। उन्होंने COVID-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने आज जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय ईटानगर का दौरा कर संग्रहालय में राज्य की जनजातियों के लॉइन लूम उत्पादों के बारे में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा के साथ राज्य के वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग के सचिव स्वप्निल नायक भी थे। श्रीमती नीलम मिश्रा ने म्यूजियम में प्रदेश की जनजातियों के पारंपरिक प्रदर्शन के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित करने को कहा। गौरतलब है कि श्रीमती नीलम मिश्रा राज्य की जनजातियों के लायन लूम से बने पारंपरिक परिधानों को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चला रही है। उनका कहना है कि लायन लूम के माध्यम से स्थानीय जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगी। देश में इस वर्ष मानसून के दौरान वर्षा सामान्य रहेगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर तक सामान्य बारिश का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा 96 से 104% तक सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना है। आज अरुणाचल, असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर पर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन से 80% संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और यदि टीका लगाने के बाद किसी को संक्रमण हो भी जाता है तो उसके जीवन को खतरा नहीं रहता है। उन्होंने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और टीका लगवाने की अपील की। ये वैसा ही है, इसमें सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह कि दिखता भी नहीं है। तो अगर जो पब्लिक ये एहसास समझ जाए कि इससे सबसे पहला जो वेपन हमारे पास है इससे लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने शुरू किया था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से हमने पहली दौर जीती थी, वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेपन होगा। और पब्लिक जितना जल्दी ये समझ जाए कि आप पर्सनल लॉकडाउन में जाएं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।